एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और लगातार 6-7 दिनों से ना बारिश इतनी तगड़ी हो रही है। अभी अभी उठा मैं जस्ट और बाहर का मौसम देखा, इतनी तगड़ी बारिश हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, देख लो सामने सामने बारिश। और यहाँ से ऊपर भी देख लो। वैसे तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ तो गया था 6 बजे, लेकिन बाहर आने का मन ही नहीं करा क्योंकि बारिश इतनी तगड़ी हो रही ना। तो इस बारिश के मौसम में जाना भी कहाँ, इतना ठंडा हो रहा है आजकल, बिल्कुल जैकेट वगैरह डालना पड़ रहा है। फ़िलहाल अभी हूँ मैं घर पे और कल है गांव में एक मेहंदी। ऐसी बारिश रही तो लगा लो क्या होगा। और एक ख़ास बात, आज मुझे जाना है अभी थोड़ी देर में जोशीमठ, जब मौसम सही होगा तब जाके, क्योंकि आज आ रही है दीदी अपने ससुराल से मायके, तो उसको लेने जाना है। मैं तो जाऊंगा आधे रास्ते यानी जोशीमठ तक, वहाँ से वो निकल गई होगी सुबह, तो मौसम जैसे ही सही होगा, बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से जोशीमठ के लिए। फ़िलहाल चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या कर रहे हैं मम्मी। और उठ गया भाई आज जल्दी। हेलो भर, नहीं कर रहा, क्या कर रहा तू? तो नाश्ता बना रहा है? पूरी, यही आज त्यौहार है ना, चलो बनाओ। उठ गया, यहाँ देखो उठियो तनिष्क, फिर सो गया वो, तेरे से पहले उठ गया बुल्ला, फिर सो गया, क्या कर रहा है? पूजा हो चुकी समाप्त और मैं आ गया लेट से। यहाँ देखो पूजा, ये है यहाँ पे पितृ देवता और शाम को इनको सुलाएंगे ऊपर छत में। ये पंडित जी हमारे, पिठाई लगाओ। धन्यवाद। और क्या है, क्या है? और लो, हो गया, हो गया। अरे प्लीज गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के 1:30 और सुनील और मैं जा रहे हैं कहाँ, जोशीमठ। दीदी भी आ रखी तो उसको लेने भी जाना, मैं सुबह बता रहा था। और इसने तो जाना है श्रीनगर, ये जाएगा कैमरे की बुकिंग में, और मैंने वहाँ से वापस आना है जोशीमठ से। और आधे घंटे पहले बारिश बंद हुई थी इसलिए हम आ गए थे, लेकिन फिर से बारिश शुरू होगी, क्या करें। चलते हैं सीधे, मिलते हैं आपको जोशीमठ। गाइस अभी मैं आ गया जोशीमठ से ऊपर, और ये भी आगे देख लो पीछे, और बारिश इतनी तेज़ हो रही ना, हमने बरसाती पहन लिया। और आगे पीछे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पीछे देख लो कोहरा लगा रहा पूरा। और चाचा जी भी आ रहे पीछे गाड़ी में, थोड़ा सामान हमने चाचा जी की गाड़ी में रख दी, उसमें सीट नहीं थी इसीलिए हम बाइक से आए। अब देख लो पीछे पूरा कोहरा लगा है, यहाँ देख लो कुछ दिख ही नहीं रहा इधर उधर, कहीं कहीं तो रोड भी नहीं दिख रही ढंग से। फिलहाल चलते हैं यहाँ से और सीधे मिलेंगे आपको, तपोवन में रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो सीधे घर पे मिलेंगे। और घर वाला रास्ता तो वैसे बहुत ख़तरनाक होगा, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया ना मैं, आगे अभी दिखाऊंगा आपको जाते समय। तो चलिए, सामने तो यहाँ से धूप आने बैठी है, आगे भी तो बारिश हो रही थी और यहाँ धूप, मौसम देख लो ना इधर का। वैसे भी आज 24 घंटे बारिश अलर्ट कर रखा ना, तो मतलब सुबह से बारिश ही हो रही और रात भर, मुझे पता है रात भर लगने वाली है क्योंकि लगातार एक हफ्ते से बारिश ही हो रही। और आज अभी भी देख लो, और कहीं धूप भी लगी है कहीं कहीं। फाइनली पहुंच चुके हम घर, और अब मौसम भी ठीक हो गया, मेरे को लग रहा कल भी ठीक रहेगा अब, क्योंकि थोड़ा बहुत खुल गया मौसम, जैसे सुबह था वैसे नहीं है। चलते हैं घर को। और ये वाला जाए नीचे, जैसे कि इसमें क्या होता है कि ग्वाले हमेशा ना सुबह ही पूजा होती है और शाम को यहाँ पे पितरों को सुला देते हैं, मतलब विसर्जन वही होता है, विसर्जन अलग सुला देते हैं। अभी यहाँ पे सारे पितर लोग सो चुके हैं और प्रसाद का होगा, उनको भी दो, उनको लो, हमको भी दे दे यार। गुरजी, गुरजी सारे पड़ा, गुरजी लगना, गुरजी से बात दी थोड़ा बहुत, गुरजी बात दी ला। जितने भी जो पूजा का प्रसाद था वो तो जितने भी ग्वाले थे उन्होंने खा दिया, और जो ये इसमें बचा है ना ये वाला जाएगा गाय के लिए, छोटा जो गाय का बछड़ा है उसके लिए है ये वाला।
और इसको गौशाला जाके उसको दे के आएंगे पहले। और वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू। तनु खा रहा, खा रहा, खा, बच्चे है तू, बच्चे।